हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। समय की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलवामा एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। आतंकी संगठन अल बद्र के 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। आसिफ, क्या अपडेट आपके पास, क्या अभी भी ये ऑपरेशन जारी है? शोभना, अब ये मुठभेड़ हो गई है और आज सुबह तड़के पुलवामा के टिकन इलाके में जो तलाशी अभियान चलाया गया था उसके बाद भी मुठभेड़ में अब 3 मिलिटेंट्स के मारे जाने की पुष्टि जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है। पुलिस के मुताबिक तीनों का ताल्लुक जो है अलबद्र मुजाहिदीन से है और उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद कर लिए गए हैं। लेकिन इस मुठभेड़ में एक आम नागरिक भी जख्मी हुआ है जिसका उपचार श्रीनगर स्थित अस्पताल में चल रहा है। पुलिस का ये कहना है कि चुनावों से पहले जो DDC के चुनाव के 5वें चरण में कल वोटिंग होनी है उससे पहले किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए ही ये मिलिटेंट इस इलाके में आए थे और यहाँ पे इस फिराक में थे कि कोई कार्रवाई कर सके, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार पुलवामा और शोपियां के इलाकों से ऐसे लोगों को निशाना बनाने की घटनाएं सामने आ रही थी जो चुनाव में या तो उम्मीदवार बन के खड़े हो रहे थे या फिर वोट डाल रहे थे। और इसी के चलते आज से ही दक्षिण कश्मीर के कई जिलों जिनमें शोपियां, पुलवामा और कुलगाम शामिल हैं, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। लेकिन ऑपरेशन जो है वो खत्म हो गया है और तीनों मिलिटेंट्स के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। ठीक है आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए।